जय हो सिद्ध बाबा की, जय हो गुरु गोरखनाथ की। आज संडे है और फंडे मनाने की तैयारी हो रही है सिद्ध बाबा परिसर में। आज बुंदेली भटा का करिया की तैयारी हो रही है। आइए दिखा दें आपको क्या क्या तैयारियां इस समय हो चुकी हैं और क्या क्या चल रही हैं। इस समय सुबह का 6:30 बजा हुआ है और भव्य पार्टी की तैयारी है। ये सब अद्भुत है, आइए आपको दिखाएं। ये देखिए सिद्ध बाबा के परिसर में घुसते ही सिद्धे भाई, जिनको हम लोग सिद्ध बाबा भी कहते हैं, सिद्धे भाई आटा गूंथने में लगे हुए हैं। हाँ भाई सिद्धे जी, क्या कर रहे हैं? भाई साहब आटा गूंथ रहे हैं। आज पटेरा जी, संतोष पटेरा जी की तरफ से पार्टी हुई है। अच्छा, और ये आटा गूंथने का काम मुझे सौंपा गया है। अच्छा जी, अच्छा, तो क्या भाई साहब? मैं आटा गूंथने में सहयोग कर रहा हूँ। किस तरह से कर रहे हैं आप? तो बैठे हो केवल? ये देखो ना, पानी डाल रहा हूँ। अच्छा, पानी डाल रहे हैं। बिना दो लोगों के काम नहीं होता। इस आटे में बेसन मिलाया गया है। अच्छा, अजवाइन डाली गई है, तेल, कसूरी मेथी भी डाली गई है। अच्छा, मतलब रोटी बहुत जबरदस्त बनने वाली है। और काला नमक और सफेद नमक भी डाला गया है। ये स्पेशल आटा है, स्पेशल आटा है। लेकिन हम तो खा नहीं पाएंगे, लेकिन हम तो खा नहीं पाएंगे इसको। आपके लिए अलग से व्यवस्था है। आपके लिए सेब आए हैं भाई? अच्छा, सेब आए हैं। क्योंकि हम तो रोटी खाते नहीं, नहीं, नहीं खाते आप, नहीं आप, मूली टमाटर है, आलू है, अच्छा लहसुन है, अदरक है, सब है, चटनी है आपके लिए, सब कुछ है। चलो चटनी अभी देखते हैं आगे। रज्जू भाई बैठे हैं, योगा कर रहे हैं। भाई आप, क्या बात है, आप तो बहुत अच्छे कुक हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं आज, क्या बात है? सब सामग्री इकट्ठी हो जाए, इसके बाद हमारा काम सही। अच्छा, ये देखिए एक महेंद्र भाई योगा में लगे हैं। हमारी कमर दुख रही है तो उससे हम योगा कर रहे हैं। अच्छा, कमर दुख रही है, कमर दर्द कर रही है, तो ये डॉक्टर ने बताया था ये वाला आसन करने को। हाँ, तो ये वाला आसन कर रहे हैं, 10 बार करना है। अच्छा, मतलब आप खाएंगे ना? हाँ खाएंगे तो जरूर, पार्टी में शरीक है। बस बस, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मोनू भाई बताइए, आप भी योगा कर रहे हैं? कुछ काम नहीं करवा रहे, क्या बात है? काम कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद हमारा जो है रोटी में ड्यूटी रहती है। अच्छा, रोटी बनवाना है? रोटी बनवाएं गक्कड़ के जो है। हाँ, सिकाई हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, रोटी सिकाई। देखिए पंकज भाई क्या कर रहे हैं आप? प्रणाम प्रणाम, बताइए। अच्छा, लहसुन चटनी की तैयारी हो रही है और चाचा पटेरा जी को बहुत बहुत बधाई। चाचा पटेरा जी को बहुत बहुत। पुत्र जो है HDFC में मैनेजर हो गया है। अच्छा अच्छा, उसी उपलक्ष में ये पार्टी हो रही है। अच्छा, मतलब चाचा पटेरिया का बेटा मैनेजर हो गया है HDFC बैंक में, उसी के उपलक्ष में पार्टी है, क्या बात है। इसलिए जो है सभी लोग लगे हुए हैं, बिल्कुल, और पार्टी का एंजॉय कर रहे हैं। अरे मार साहब, लेकिन आप तो दिल्ली गए थे। हाँ, तो वहाँ से आ गए बुलाए विशेष अनुरोध पर। अच्छा, दिल्ली मतलब संपर्क क्रांति से उतरे और सीधे चले आए यहीं पे, सीधे सिद्ध बाबा। क्या बात है भाई, संपर्क क्रांति से दिल्ली से आए हैं मार साहब, हमारे प्रवीण मार साहब, और स्टेशन से उतरे और घर गए सांभ्यागरक्का सीधे सिद्ध बाबा। क्या बात है भाई, विशेष अनुरोध पर चाचा पटेरा। अच्छा, चाचा पटेरा जी के विशेष अनुरोध पर। अच्छा, हाँ भैया निखिल भाई तुम क्या कर रहे हो? चाचा जी प्याज काट रहे हैं। अच्छा, प्याज काटने में ड्यूटी लगी है? प्याज काटने में ड्यूटी, क्या प्याज काटना हमारा परम कार है। अरे तो उसमें प्याज आंसू आंसू भी बाहर है कि नहीं? तो इससे हमारी आंखें साफ हो जाती है ना। अच्छा, आंसू बाहर है? लग तो नहीं रहा, आंसू आंसू गिर रहे। अब तो हम प्रैक्टिस वाले हो गए थोड़ी। अच्छा, प्रैक्टिस हो गई है, मतलब प्याज छीलते काटते वक्त आंसू बहाने की आदत पड़ चुकी है। बाद में सूख गए हैं आंसू। ये देखिए सब एक इसमें तसले में रखा गया है सब कचड़ा, और इसको बाद में जो है डिस्पोज कर दिया जाएगा। बिल्कुल स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, यहाँ गंदगी ना हो। मोनू भाई, अरे दीपू भाई आप भी लगे हो, आप भी प्याज काटने में? अरे ये बड़ा दुष्कर कार है प्याज काटना, तो देखो देखो क्या बात है, काफी प्याज है भाई, अभी तो बहुत प्याज है। सब कट जाएगी, सब कट जाएगी, सब कट जाएगी। अरे ठीक है, सब कटेगा, सब में बटेगा। अच्छा अच्छा, प्याज, अरे ये मिर्चा देखो कितनी कटी है भाई, अरे बाप रे इतनी मिर्चा कटेगी है, देखिए सब मिर्चा भी जाएगी अंदर, धनिया रखी है अभी। हाँ भैया प्रेम, तुम्हारा क्या है? आप बताइए कुछ पार्टी के बारे में। लहसुन छीलने के बाद बैगन में तेल लगाया। अच्छा, बस बढ़िया तेल लगा के आगे में डाल दिए। अच्छा अच्छा, और पटेरा चाचा की जय।
नहीं तो लेकिन आप तो कल से इसी पार्टी के लिए लगे हो, पूरा पूरा लगे रहे, पूरा सब सामग्री खरीद के लाए हैं, पूरी व्यवस्था, सारी व्यवस्था आप ही ने की है। जी जी। चलो मुन्ना भाई क्या है, आप पार्टी में शरीक नहीं क्या? हमको काम सौंपा गया था, वो निपटा कर आप योगा कर रहे हैं। हमको काम सौंपा गया था कि भटे में तेल लगाना है, उसमें लहसुन लगाना है, वो हम काम करके फ्री हो चुके हैं। आप कर चुके हैं, चलो। और क्या कह रहे हैं? और आज जो पार्टी ये हो रही है, पटेरिया चाचा के जो सुपुत्र है, हाँ, वो ब्रांच मैनेजर बन गए हैं, उसी की खुशी में उपलक्ष्य में आज ये पार्टी का आयोजन हो रहा है। हाँ भाई, महेन जी, महेन भाई बैठे हैं, आप भी जो है बताइए, आप आराम कर रहे हैं क्या? बात नहीं नहीं, काम करके फ्री हो चुके हैं। क्या आपने आज योगदान दिया है बताइए? कुछ नहीं, भटा काटे, भटा में छेद करके लहसुन लगाया, भटा में काम कर, भटा सही करा था बस। अरे आप लोग बीच में कंडे भी तो लाए हैं लाद के रस्ते से, अलग चीज है भाई, नीचे से सामान भी तो लाना पड़ता है, वो तो सबका काम है, यही साथ में सब लोग लेके आए तो हम भी लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल, कहा है अब ये देखिए, आके बैठ गए हैं सिद्धे भाई, इनका काम हो गया है ना, इन्होंने आटा गूंद दिया है, इनका काम हो चुका है। नहीं ठीक है, अब देखिए आपको सिद्ध बाबा के बाबा जी भी है। बाबा जी क्या चल रहा है? पूजा पाठ चल रहा है, कार्यक्रम भगवान की सेवा। अच्छा अच्छा, और आज तो भटा का करिया पार्टी है, पार्टी है आप लोग। अच्छा अच्छा, चलिए देख दीजिए, प्रसाद पानी होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज सीता रसोई में देखिए नहीं बनाया जा रहा है। अब सीता रसोई में ये फैसला लिया गया है कि सीता रसोई में भोजन नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि वहाँ गंदगी बहुत हो जाती है और सफाई नहीं हो पाती है, तो इसलिए अब सीता रसोई का सम्मान करते हुए वहाँ केवल दीपक रखा जाएगा, ये तय किया गया है, वहाँ नहीं बनाया जाएगा, है कि नहीं बाबा जी? हाँ बिल्कुल, ओके रहेगा, वहाँ पे चबूतरा बना के और रसोई थोड़ी सी बना दी जाएगी और दीपक रखवा दिया जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, तो आदमी पूजा करेगा, आदमी आज वहाँ दर्शन करेगा। भाई इसका विशेष महत्व है, क्योंकि सीता जी यहाँ खाना बनाती थी, रामचंद्र जी जब आते थे यहाँ पे चित्रकूट से त्रेता युग में, तो इसलिए अब इसका सम्मान करेंगे हम लोग। बाकी आपको सिद्ध बाबा के दर्शन भी करा दे, देख लीजिए सिद्ध बाबा के, जय हो सिद्ध बाबा की, जय हो गुरु गोरखनाथ की। देखिए बगल में गुरु गोरखनाथ भी है सिद्ध बाबा। अरे भाई खरे जी, कहाँ थे आप अभी तक? यही थे सिद्ध बाबा के आश्रम में, चूल्हा जला रहे थे। अच्छा हाँ, बट और आपके आलू भुन चुके हैं, टमाटर डल गए हैं। अच्छा अच्छा, आदरणीय पटेरे जी की तरफ से पार्टी है। तो बाकी अभी आपको और क्या करना है? अभी रोटी सिकवाएंगे? हाँ रोटी बनेगी। चलिए चलिए, हम जा रहे हैं, पार्टी का प्रोग्राम था लेकिन कंडे कम पड़ रहे हैं तो रोटी बनाई जाएगी। अच्छा अच्छा, इसको बिस्नौटी कहते हैं, बिस्नौटी बननी है। हाँ, सत्तू और अजवाइन और ये मिला के रोटी बनाई जाएगी, और हमने बुंदेली वाला बिस्नौटी बोलते हैं, बिस्नौटी। चलिए अब चल रहे, देखे वहाँ भटे अटे भुंज रहे हैं, ये देखिए लकड़ी अभी काटी जा रही है, ललित भाई लगे हैं। कहा है भैया, कहा है, लकड़ियां काट रहे? हाँ चूल्हो जा रहे तो लकड़ियां तो चाहिए चाहिए। ये देखिए इन्होंने काफी लकड़ियां काटी है, ये चूल्हे के लिए ये भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ जो पेड़ लगे हैं वो सब औषधि पौधे हैं, उनको काटना ठीक नहीं है, और वो सब हरे हरे भरे हैं, उनको वैसे ही रहना चाहिए। लकड़ी नीचे से ला के इसका इंतजाम किया जा रहा है। ये देखिए सिद्ध बाबा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी मुस्तैद कर दी गई है, दो गार्ड हैं, उनकी ड्यूटी हमेशा रहेगी यहाँ 24 घंटे। क्या नाम है भाई आपका? मूलचंद जी। और आपका? पुष्पेन सिंह। तो आपकी ड्यूटी कब से लगी हुई है? कल से, एक तारीख से। तो आप लोग ड्यूटी, कितने लोग हैं टोटल? छह लोग। अच्छा, ड्यूटी बदलते रहते हैं, 24 घंटे रहना है, तो चारों तरफ नजर रखे रहा करिए चोरों पे। चलिए बहुत बढ़िया। और भैया तुम बताओ, क्या नाम तुम्हारा? सुशील। सुशील, देखो सुशील भी कई दिन से सिद्ध बाबा की सेवा कर रहे हैं, और ये भी जो है बिल्कुल तैयार है। आगे हम देखते हैं, अभी यहाँ कंडे जो है बैगन भूंजे जा रहे हैं। हाँ चाचा क्या चल रहा है? भटा का घर ये चल रही भाई। अच्छा, इधर क्या कार्यक्रम हो रहा है? यहाँ भटा भूंजे जा रहे हैं, टमाटर भूंजे जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, आलू। अच्छा अच्छा, चलिए देखें, ये देखिए कंडे लाए थे, ये सब टमाटर दिख रहे हैं, बैगन भी कुछ अंदर से झांक रहे हैं देखिए, और इस समय बस भूंजने का, पहले ये भून जाए। ये क्या है? आंवला। आंवला, इसको भी, आंवले को भी भूंजा जा रहा है, भूंजा है। अच्छा आलू भी रखे हैं, क्या क्या डला है इसमें? देखिए आलू भी रखा है ऊपर, ये सब भूंज के भी इसके अंदर। अच्छा कैथा भी डला है? कैथा भी है। अच्छा अच्छा,
देख कैथा भी रखा है, उसकी चटनी बनेगी। क्या भूंजे से ज्यादा अच्छी हो जात का चटनी? बता रहे लोग बात, बता रहे लोग बात। भूंडा रहो कैथा का भी, कैथा का भूंडा रहो। कैथा को तो छिलका बहुत टाइट रहा था, ऊपर को लग जाए। अच्छा चलो चलो ठीक है। ये ग्यासी भाई लगे हैं, देखिए धुएं धुएं में जो है संघर्ष कर रहे हैं और भूंजने में लगे हैं, बाकी चाचा सहयोग कर रहे हैं। और इधर देखिए रोटी का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है, क्योंकि अब समय भी अपने पास कम है, इसलिए वो भी मोनू भाई लगे हैं। डॉक्टर साहब भी आ गए हैं, अब आए हैं जब सब काम हो चुका है। जब सब काम हो चुका है तब डॉक्टर साहब आए हैं। अब रोटी नहीं सकी है। आज मनोज भाई साहब भी आए हैं, और जो है उनका भी स्वागत है। और ऋषि भाई कहाँ भैया, दिखाई नहीं दे रहे थे, अभी दिखाई दे रहे। थोड़ा योगा करने। अच्छा योगा थोड़ा की पूरा? योगा से ही होगा। अच्छा योगा से ही होगा, योगा कराएं। तो चलिए फिर, अभी क्या है तैयारी? बस अब निकलने की तैयारी। क्यों आज शरीक नहीं होंगे क्या? नहीं नहीं, थोड़ा काम था। अच्छा इसलिए ले तो अच्छा नहीं रहेगा यार, संडे आप के बिना जो है डॉक्टर साहब हैं, डब्बा पहुंचाया जाएगा आपके घर, आप निश्चिंत रहें। अच्छा अच्छा चलो। नहीं अरे हटो तो सामने से। ये भैया सिद्धे क्या है ये सब? ये देखिए चटनी का सामान है। अच्छा क्या कैथा भूंज लिया है? कैथा भूंज लिया है। भूंजने से ज्यादा अच्छा हो जाएगा? टमाटर भूंज गए हैं। हाँ ये आंवला भूंज गया है। अच्छा और इसमें लहसुन है। अच्छा सब चटनी बनाने जा रहे हैं, इसमें अदरक भी है और हरी धनिया अभी साफ होने का ही वो आ रही है। ठीक ठीक बनाइए आप बनाइए। ये देखिए चाचा पटेरे बैठे हैं। अरे क्या भाई, भाई साहब क्या चल रहा है? काट रहे हो या अदरक काट रहे? आज की पार्टी के आयोजक आप ही हैं, आपको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद। हमारे लिए क्या लाए हैं तो बताइए। सिंगाड़े ले आए आधा किलो। अच्छा सिंगाड़े ले आए हैं, चलो चलो ठीक है। रात के बताया गया कि आप कुछ खाते नहीं, तो जो मिला सिंगाड़े ले आए। हाँ हमने असल पे अन्न त्याग दिया है ना, तो आप लहसुन छील रहे हैं? अदरक अच्छा अदरक अदरक ठीक है अदरक ठीक है। देखिए आज की पटेरिया जी की पार्टी है, बहुत बहुत साधुवाद। ब्रांच मैनेजर हो गया है HDFC बैंक। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। पटेरिया जी जी मैनेजर हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बधाइयां आपको ढेर सारी। जी जी जय हो जय हो। ये देखिए चटनी बांटने का कार्यक्रम चालू हो गया है। ये जो सिलबट्टा हमारे सिद्ध बाबा का स्पेशल सिलबट्टा है, उसी में देखिए चट्टान पे बना हुआ है स्पेशल। यहाँ पर सीता माता जी यहाँ चटनी बांटती थी। अच्छा ये वही वाली सिलबट्टा है ये? हाँ तो बहुत अच्छा सिलबट्टा है, देखिए नेचुरल। बस उसी में जो है चटनी सिद्धे भाई बांट रहे हैं। सिद्ध बाबा के प्रांगण में सिद्धे भाई चटनी बांटते हुए। डालो डालो बहुत बढ़िया। बाबा जी बगल में जो है अपने इस समय श्रृंगार करने में लगे हुए हैं, और अपना जो है पूरा स्वरूप तैयार कर रहे हैं। जय हो। क्या बाबा जी का क्या प्रोग्राम होना? अब पूजा होगी, अभी पूजा होगी, बस पूजा होगी। जय हो। ये देखिए बैगन भूंज छीले जा रहे हैं, भूंज गए हैं, बस काम जारी है और सब साथी लोग लगे हुए हैं। ओम नमः शिवाय। रोटी भी सेक रही हैं चाचा, वहाँ चालू हो गए रोटी सेकने में, बस स्टार्ट हो गया है। देखिए थोड़ा टाइम लगेगा अभी। बिल्कुल चल रही है रोटी। ओम नमः शिवाय। देखिए रोटी कितनी बढ़िया सेक रही है, मोटे मोटे गक्कड़। जय हो। लीजिए देखो डॉक्टर साहब लेके आए हैं। इधर तवे में सेक रही है, एक तवा और है। अच्छा एक तवा और है। इधर खरे जी जो है, खरे जी ने मोर्चा संभाल लिया है। हाँ। बिल्कुल। और जो है एक एक चूल्हा और जल गया है। हाँ। एक तवा और दो तवे हो गए। बिल्कुल उधर ग्यासी जुट गए हैं दोनों। इधर मोनू भाई लोई बना रहे हैं और महेंद्र भाई जुटे हैं। देव देव सब सही है, कंडा का सही है, बनाए रहो बनाए रहो। ये देखिए डॉक्टर साहब जो है रोटियों में घी लगा रहे हैं। ये देखिए इतनी बड़ी चम्मच है या छोटी चम्मच ना तीखा? घी ज्यादा लगाना, खत्म करना है, एक किलो घी कैसे खत्म होगा? अरे अबे बहुत रोटी है डॉक्टर साहब, अबे तो शुरुआत है। देखिए पहले उसमें रोटी को साफ रूमाल से की जा रही है,
क्योंकि इसमें थोड़ा सा राख वगैरह है, तो उसको साफ करके बाकायदा घी लगा के सब तैयारी। भाई ये खाने वाला काम नहीं है, ये देखिए रोटियां चल रही हैं। ये देखिए आलू छिल गए हैं, आलू छिल गए हैं, बैगन छिल गया है, कितना छिलका निकला है बताइए। ये देखिए बैगन रखे हैं, इनको मिक्सअप। अभी तो ये तो भीतर है गए, कहाँ है सकला आलू? ये आलू है, आलू सब चल रहा है काम धीरे धीरे। चाचा लगे हुए हैं रोटी सेंकने में और महेंद्र भाई भी बैठे हैं वहीं, धुआं ले रहे हैं, धुआं लेते हुए। ग्यासी तुम्हारी रोटी धीमी सेक रही है? सही सेक रही, हाँ सेक तो रही है, सही है। अच्छा ये देखिए रोटी पटेरे चाचा बेल रहे हैं रोटी इस समय, थाली के ऊपर रोटी बेली जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थाली के ऊपर देखिए, यहाँ चूंकि चौका है नहीं है तो थाली से काम किया जा रहा है। और खरे जी कैसा चल रहा है भाई अभियान? बढ़िया चल रहा है, रोटियां सिक रही हैं। अच्छा डालिए डालिए, बिल्कुल देखिए तवे में रोटी सेकी जा रही और फिर उधर भेजी जा रही है, बस वहाँ रोटी सेकेगी कंडे की आग में। ये देखिए प्याज आज ले आए हैं निखिल बाबू, अब बैगन की भरती की तैयारी हो रही है, बैगन का भरता बनने वाला है। शेफ चाचा आ गए हमारे, मिर्चा खाए दे रहे का, हम मिर्चा खा ले का। राजू भाई साहब तैयार है? अच्छा भरते देखिए प्याज आज भूनी जा रही है, काम सब चल रहा है स्पीड से, बस भरता बुनना है। रोटी काफी हद तक हो चुकी है, देखिए सब प्याज वगैरह सब टमाटर सब धनिया और सब जीरे हीरे सब रखा हुआ है नमक, और हमारे मुन्ना भाई जो है बैगन सब मिक्सअप कर रहे हैं पूरा भगोना, टमाटर वमाटर बाद में डाल दिया, आलू डाल दो इसी में छील के मार्सा डाल दो। ये सब चल रहा है, इतना आटा बचा है बाकी सब हो गया है, रोटियां सिक गई है। कहाँ है रोटी? ये देखिए चल रहा है भैया, बाकी हमारे इतने आ गए आप। ये देखिए रोटियों का एक ढेर तैयार हो गया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए सब चल रहा है सब। ये देखिए बैगन का भरता तैयार हो गया है बिल्कुल। पटेरे जी रोटी कितनी रह गई अभी? बस देखिए अंतिम चरण में चल रहा है भैया रोटी बनाने का, रोटी सेकने वाले भी बदल गए, दीपू भाई आ गए इस समय। और इधर इधर रजी भाई क्या बना रहे? इधर रायता बनाने जा रहे हैं, चलिए बनाइए बनाइए बहुत बढ़िया। ये लीजिए चालू हो गए हैं लोग, कैसा बनाए भाई भरता भाई साहब? बेहतरीन, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास बहुत बढ़िया। और क्या क्या है? रायता भी है हम सुना, सुना का है सामने देखो ना, दिखाई रायता, सुना तो वो होता जो दिखाई ना दे। कैसा लग रहा है रायता? पिया भी टेस्ट किया? टेस्ट ले रहे। ये देखिए रायता भी है, रायता भी है, रज्जू भाई साहब बनाया है बढ़िया। खाओ खाओ, ये देखिए बढ़िया सब्जी, ये है चटनी, शानदार चटनी। निखिल सिद्धे भाई चालू हो गए और क्या, चलो चलो खाइए खाइए, बुलवा लो उनका, कह दे आ जाए, बुला लो बुला लो। मुन्ना भाई भी जुट गए हैं, कैसा है भाई बताइए? बढ़िया बढ़िया, मस्त चटनी, बहुत मस्त चटनी, बहुत मस्त है, भरता भी बढ़िया, रोटी भी सब बढ़िया आइटम है, सब बढ़िया आइटम, आनंद जय हो। ये देखिए भाई परम आनंद, रोटी भरता मूली सब है, मूली सलाद भी है, सलाद लाद जबरदस्त है। हमार साहब हाँ बहुत बढ़िया, श्री गणेश हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है अभी, चलिए चलिए खाइए खाइए। तुम यूट्यूब कर लो, हाँ हाँ दे दो। ये देखिए चल रही है पंगत पूरी सिद्ध बाबा में, नहीं तो बाबा जी का फिर बनाने पर है। ये देखिए हाँ भाई आज के आनंद की, चलिए भाई सब लोगों को जो है कैसा रहा आज का? बहुत बढ़िया रहा, जय हो। महेंद्र तो ही हूँ, हो सका हाँ भाई साहब, मिठास बहुत बढ़िया है, हाँ। बैगन का भरता हमारे कक्का की मेहनत, बिल्कुल 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 बिल्कुल। मनोज भाई बताइए, भाई साहब बताइए, सब बढ़िया?
और बताइए, आपने बहुत मेहनत की रोटी सेकने में। मेहनत से सफल है काम। चाचा ने बढ़िया मेहनत। बिल्कुल बिल्कुल। महेंद्र भाई बढ़िया मेहनत की है। बढ़िया महेंद्र भाई, कम पड़ गया क्या? चाचा मजा आ गया। बैगन का भरता बचा है अभी। बहुत मजा आ गया। नमक नमक उठा लियो आप सभी लोग। भाई साहब, भाई साहब कहाँ है पोजिशन? बढ़िया है, अति सुंदर साहब। बस आप आ गए हैं, यही अच्छा है। कम से कम बारी अच्छा लगा है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, प्यारी रोटी बनी है, बहुत ज्यादा सही है। अब सब जंगल में मंगल है, ऐसे ही होता है। जंगल में मंगल ऐसे ही होता है। हाँ बेटू बताओ, कहा है? खूब पी कैसा? ठीक है सब्जी? अब जी स्वादिष्ट स्वादिष्ट है। चलो ठीक है, चलो चलो ठीक है। पंकज भाई बहुत स्वादिष्ट खाना है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। चटनी भी बहुत स्वादिष्ट, चटनी भी बढ़िया है। चलिए सबको जय हो सिद्ध बाबा की। जय हो जय हो जय हो जय हो। हाँ जी, मैंने अपनी थाली धो के रख दी है। स्वच्छ भारत मिशन में मैं शामिल हो गया। और इसी तरह सब लोग अपना सब सफाई करके चलेंगे इधर से? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी सफाई करके ही जाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सफाई यहाँ पे रख करके ही जाएंगे। गंदगी फैला के कोई नहीं जाएगा, पूरा साफ करके। बिल्कुल, आपने यहाँ पे पूरा डस्टबिन लगा वहीं पे फेंका है। अच्छा, छोले के पत्ते में खाया था अपन ने तो। हाँ हाँ ठीक है भाई, हम लोग हाँ, साफ नहीं रखेंगे यहाँ तो कौन रखेगा? सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सत्य वचन। पत्तों में खाया है, प्राकृतिक खाना खाया है। बिल्कुल बहुत बढ़िया।